बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि इस वर्ष से बिहार बोर्ड द्वारा 2023 में आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाएं एवं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं विभिन्न इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षाओं का जो वार्षिक परीक्षा कैलेंडर है वो जारी किया गया है। आगे उन्होंने कहा है कि परीक्षा कैलेंडर 2023 के अनुसार इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक दो पालियों में आयोजित किया जाएगा, तो वहीं इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी आयोजन 6 अप्रैल 2023 जनवरी से 24 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा है कि इस वार्षिक कैलेंडर जारी होने के बाद जो है जो परीक्षार्थी है वो एवं कोचिंग संस्थान है उसको देखते हुए शिक्षक को कैलेंडर देखकर जो परीक्षा की तैयारी है वो करने से जो है सहूलियत होगी। तो वहीं क्या कुछ कह रहे आनंद किशोर जो कि अध्यक्ष है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के, वो सुने आप लोग। रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, इन सभी चीजों के बारे में इस परीक्षा कैलेंडर में जानकारी दी गई है। जो भी फॉर्म भरने की विशेष तिथियां इस कैलेंडर में निर्धारित की गई है वह मूल तिथि है जिस तिथि को किसी भी परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म इत्यादि भरा जाएगा। उस निर्धारित अवधि के बाद समिति अपनी आवश्यकता अनुसार या अपने विवेकानुसार उस फॉर्म भरने की तिथि में बिना विलंब शुल्क के अथवा विलंब शुल्क के साथ विस्तार कर सकता है, अर्थात फॉर्म भरने की तिथि और रजिस्ट्रेशन की तिथि में जैसा कि पूर्व के वर्षों में होता रहा है कि मूल तिथि के बाद अभ्यर्थी को और परीक्षार्थी को मौका दिया जाता है बाद में भी, तो वह विस्तार की संभावना और डीएलएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा है और आगामी इस कैलेंडर में हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी की परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि का इसमें उल्लेख किया गया है। उसके लिए 1 फरवरी 2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे और 14 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र एसटीईटी परीक्षा 2023 हेतु भरी जाएगी की परीक्षा कि प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन की तिथि 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच निर्धारित की गई है और इंटरमीडिएट परीक्षा की सैद्धांतिक विषयों की तिथि 1 फरवरी 2023 से प्रारंभ होकर 11 फरवरी 2023 तक यह परीक्षा चलेगी और इस अवधि में अलग अलग विषयों की अलग अलग तिथि वार परीक्षा का आज विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। हम लोग समिति की ओर से वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर रहे हैं और अब यह वार्षिक परीक्षा कैलेंडर प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में जारी किया जाएगा। यहां तक उसकी जो सबसे की जाएगी सिमुलतला प्रवेश परीक्षा हेतु भी 3 जुलाई 2023 को परीक्षा आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे और उसके पश्चात सिमुलतला की 6 क्लास की प्रवेश परीक्षा है तो जो मुख्य परीक्षा का आयोजन 20 दिसंबर 2023 को किया जाएगा और उसके अलावा अन्य तिथियों के बारे में भी जानकारी दी गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभी कर्मियों को पदाधिकारियों को भी कि इससे सबसे सबसे बड़ा लाभ इसका राज्य के लाखों परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को और सभी उनके पेरेंट्स, गार्जियंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जितने भी प्राचार्य, शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, ये सभी लोग अब इस परीक्षा कैलेंडर के अनुसार अपनी अन्य सभी गतिविधियों को उसी प्रकार से रेगुलेट कर सकेंगे, उसी प्रकार से निर्धारण कर सकेंगे और उसके लिए एडवांस में प्लानिंग करते हुए सभी प्रकार की आवश्यक कार्रवाइयां कर सकेंगे। हम लोगों ने कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन
का आयोजन किया, जिसके माध्यम से राज्य के सभी डीएलएड कॉलेजेस में अभ्यर्थियों के नामांकन की कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए भी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने की तिथि की घोषणा आज की जा रही है और इसके लिए 16 जनवरी 2023 से लेकर 30 जनवरी 2023 तक आवेदन पत्र इसके लिए भरे जाएंगे। निर्णय लिया गया है कि सभी डीएलएड कॉलेजों में नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का आयोजन 13 मार्च 2023 से 20 मार्च 2023 के बीच किया जाएगा और इसके पश्चात एसटीईटी की परीक्षा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 6 अप्रैल 2023 से 24 अप्रैल 2023 के बीच किया जाएगा। इस प्रकार जो एसटीईटी परीक्षा, इसी परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा के आयोजन की भी संभावित तिथियों का माह का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके साथ ही का आयोजन 14 फरवरी 2023 से प्रारंभ किया जाएगा और 14 फरवरी से लेकर इसको आगामी 22 फरवरी 2023 तक सभी विषयों की परीक्षा संपादित की जाएगी।